जे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचे लोकसभेतही पडसाद पाहायला मिळतात। महाराष्ट्राच्या खासदारांनी लोकसभेमध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली आहे। सीमावादात अमित शहांनी लक्ष घालावं अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केलेली आहे। या सीमावादामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लक्ष घालावं अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचे लोकसभेतही पडसाद पाहायला मिळाले। संसदेचं हिवाळी अधिवेशन हे आजपासून सुरू झालंय आणि पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर चर्चा करण्यात आली आहे। तर अमित शहांनी यामध्ये लक्ष घालावं अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे। महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटक का राज्य, वहां का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे सर, और कल तो हद कर दी। कर्नाटक का बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर, और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटक में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी टाइम में सर महाराष्ट्र के कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं सर, पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश है। और मैं अमित शाह जी को विनती करती हूँ।